आज। यस अनिल जी, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एक बेहतरीन मिनी रत्न कंपनी है। पीएसयू स्टॉक्स है तो जनरली सस्ते वैल्यूएशन से मिलते हैं, और ये स्टॉक एक अलग ही काम करता है और अनोखा, एक मैं तो बोलूंगा कि फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। और आईपीओ के बाद भी काफी एक्टिव रहा, काफी नामचीन इन्वेस्टर्स भी इसमें एंट्री लिए थे, जैसे कि मिस्टर रमेश दमानी जी भी उन्होंने लिया था। और देखिए, सबसे बढ़िया बात है पीएसयूज अब फ्लेवर में आए हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा पीएसयूज अपने जो प्राइवेट कंपनीज है, सेक्टर की कंपनीज है, उनके सामने हमेशा सस्ते पड़े रहेंगे। 13 के पी मल्टीपल पर ये मानता हूं मैं, सबसे बढ़िया बात है डिविडेंड यील्ड। और अच्छा, इन स्टॉक्स को जब भी ले तो 3.60 का डिविडेंड यील्ड होता है, यानी कि 7 साढ़े 7 रुपया। तो इस चीज को भी आप कंसिडर करें। सो रिटर्न्स इन टोटैलिटी को देखना जरूरी है। और सबसे बढ़िया बात और है कि इसके फंडामेंटल्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 18% पे था, वो आजकल 22.5% हो गया है। फिर मैंने इनका देखा प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, मुझे बहुत सस्ता लगता है, 2 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे अवेलेबल है, विच इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। फिर तीसरी बात ये है कि डीआईआईस का 16% का स्टेक है इस कंपनी में, एफआईआईस का भी 1-1.5% के लगभग है। और एचडीएफसी एएमसी ने पिछले क्वार्टर में 8.5%, यानी कि इन्होंने बढ़ाया अपने स्टेक को। और तीसरी बात यह है जो ओपीएम है, पिछले क्वार्टर में ओपीएम 12% के लगभग था, जो कि अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। और उससे इंपॉर्टेंटली दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, जो कि दिसंबर 2019 में 30 करोड़ का पैट था, उसके सामने दिसंबर 2020 में 58 करोड़ का पैट। सो मिनी रत्न कंपनी, एससीआई का डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है तो शिपिंग मिनिस्ट्री तो वैसे ही लाइमलाइट में रहेगी। स्ट्रांग ऑर्डर बुक पोजीशन है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है। इन सब फंडामेंटल्स को देखता हूं मैं तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगती है। और यही कंपनी है जिसने फर्स्ट इंडिजिनियस वॉरशिप बनाई थी इंडिया की। 3 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कोलकाता के आसपास ही है सारे। तो इस कंपनी को लीजिए 250 के टारगेट के लिए।